कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। पटेल कोचिंग में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 इंग्लिश को सब्जेक्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेशन 2020-21 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। अब उसको सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के सारे क्वेश्चन आपको 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अच्छे से समझते हैं और एक्सप्लेन करके इसको लिखने का कोशिश करते हैं और याद करते हैं। हाउ डज द पोएट यूज़ द इमेज ऑफ फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल टू हाईलाइट आंट जेनिफर्स विक्टिमाइजेशन? किसमें जो पोएट है ना, उन्होंने फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल के द्वारा किस प्रकार से आंट जेनिफर के पीड़ित होने को, विक्टिमाइजेशन होने को हाईलाइट किया है? तो चलिए इसके आंसर को हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। द पोएट यूज द इमेज ऑफ फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल टू हाईलाइट द वीकेंड एंड ट्रमोटाइज्ड बॉडी ऑफ आंट जेनिफर। कि जो कमजोर शरीर था और बीमार शरीर था, ट्रोमोटाइज शरीर था आंट जेनिफर का, उसको दिखाने के लिए ही इन्होंने फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल, माने ऊन से उंगलियां बाहर हो रही हैं, इस प्रकार का जो उदाहरण है वो पोएट ने प्रस्तुत किया। ड्यू टू हर डोमिनेटिंग हस्बैंड शी फाइंड्स हर सेल्फ सो वीक दैट शी कुडंट इवन पुल द नीडल। चूँकि उसके पति जो है काफ़ी ज़्यादा उसको दबाव में रखते थे, तो अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करती थी कि एक निडल को भी वो पुल नहीं कर पाती थी। एक निडल माने एक सुई को भी खींच नहीं पाती थी। तो बच्चों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।